हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। हम इसे मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। गिवन है हमें सम ऑफ जीरोज इक्वल टू रूट टू। सम ऑफ जीरोज होता है मेरा माइनस ऑफ बी बाय, यानी माइनस बी बाय ए की वैल्यू है रूट टू। अब जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है, हम यहाँ पे ए को अज्यूम कर लेते हैं वन, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ बी बाय वन इक्वल टू रूट टू। बी बाय वन होता है बी, माइनस को मैं राइट साइड ले जाता हूँ तो बी की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ रूट टू, यानी हमारा ए और बी की वैल्यू आ गई। सी की निकालनी है हमें, हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू वन बाई थ्री। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा सी बाय ए, यानी सी बाय ए की वैल्यू है वन बाई थ्री। हम यहाँ पे ए की वैल्यू वन पुट करते हैं जो हमने अज्यूम किया था, ये आ जाएगा सी बाय वन। सी बाय वन होता है सी, तो सी की वैल्यू आ गई वन बाय थ्री। तो हमारा यहाँ ए बी सी की वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज़ मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब जो पीछे आंसर गिवन है वो हमें इस फॉर्म में नहीं गिवन, वो लाने के लिए मैं यहाँ थ्री मल्टीप्लाई करता हूँ इस इक्वेशन से कुछ ऐसे। ये हमने थ्री इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में थ्री है ये कैंसिल हो जाए मेरा। अब थ्री इंटू एक्स स्क्वायर होगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री इंटू रूट टू एक्स होगा थ्री रूट टू एक्स। यहाँ थ्री और वन बाय थ्री कैंसिल हो गए, वन बचेगा, तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आ जाएगी।